हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ अंग्रेजी सीखें के तहत आज से हम मॉडल वर्ब पर अपने वीडियोस केंद्रित करेंगे। आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अंग्रेजी सीखने के ये छोटे छोटे चरण आप तक आसानी से पहुंचते रहें। फ्रेंड्स, आओ अंग्रेजी सीखें हमारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम छोटे छोटे स्तर पर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हुए अंग्रेजी के आधारभूत अध्ययन को प्रारंभ कर चुके हैं। वीडियोस डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। आपसे निवेदन है पूर्व के वीडियो आप देख लें ताकि आपको पिछले वीडियोस के बारे में पता चल सके। मॉडल ऑक्सिलरीज उन विशेष सहायक क्रियाओं को कहते हैं जो सब्जेक्ट के साथ आकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करती हैं। इनका संबंध किसी टेंस या काल से नहीं होता है। मॉडल वर्ब का प्रयोग कर्ता के बाद और मुख्य क्रिया के पहले किया जाता है, यानी ये सहायक क्रिया की तरह ही होती हैं, लेकिन चूंकि यह कर्ता के अनुसार नहीं प्रयोग होती, कर्ता से नियंत्रित नहीं होती, या ये कह सकते हैं इन पर कर्ता के नंबर जेंडर पर्सन केस का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं या मॉडल वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब के प्रयोग की विशेषताएं क्या हैं? मॉडल वर्ब हमेशा एक फॉर्म में रहती है, इनमें फॉर्म चेंज नहीं होता है। कैन का कुड नहीं है, कैन अलग अर्थ में आता है, कुड अलग अर्थ में आता है, ये दोनों एक दूसरे के चेंज फॉर्म नहीं हैं। मॉडल वर्ब हमेशा एक ही फॉर्म में रहती है, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जाता है। मॉडल वर्ब कर्ता के नंबर जेंडर पर्सन और केस के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेती है। मॉडल ऑक्सिलरीज उन विशेष सहायक क्रियाओं को कहते हैं जिनके साथ कर्ता के साथ में विशेष किसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य में विशेष संदर्भ की बात होती है, जैसे क्षमता बताई गई है, संभावना बताई गई है, कहीं पर किसी की उम्मीद बताई गई है, कहीं कोई अभिशाप है, कहीं पर किसी बात का और जिक्र है, कहीं कोई अतीत की संभावना बताई गई है, कहीं पर कोई डिसीजन दिया गया है, कहीं दृढ़ निश्चय है, तो ऐसी चीज़ों में मॉडल वर्ब का प्रयोग उसके अर्थ के अनुसार किया जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब कैन, विल, शैल, मे, कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। ये 13 मॉडल वर्ब हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी के ट्रांसलेशंस में होता है। इन सभी वर्ब्स को अपने अर्थ के अनुसार अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। हम इन वर्ब से संबंधित जितने भी उपयोग हैं या इनका कब किस वर्ब का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाएगा, इस विषय पर एक एक करके चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए हम आज प्रारंभ में केवल कैन और मे को लेंगे, क्योंकि ये दोनों मॉडल वर्ब ऐसी हैं जो टेंस से बाहर आकर के संभावना और क्षमता बताती हैं। कैन का प्रयोग, कैन का सकना हिंदी में अर्थ होता है। पहला प्रयोग ये है कि कहीं पर शक्ति, योग्यता बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, मतलब व्यक्ति के अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, उसकी पावर है, यानी वो अंग्रेजी पढ़ा सकता है। दिस पर्सन कैन नॉट सी प्रॉपरली, ये योग्यता है, यह इंसान सही से देख नहीं सकता। दूसरा प्रयोग अनुमति, परमिशन देने के लिए और लेने के लिए, जैसे कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूं, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो। तीसरे प्रयोग के तौर पर अगर कहीं पर कोई प्रार्थना करनी है, कोई निवेदन करना है, तो भी कैन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैन आई टेक योर पेन, और इसी को निवेदन में परमिशन देनी हो, जैसे यू कैन टेक माई पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं या क्या आप मेरा पेन ले सकते हैं। इस तरीके से परमिशन लेना और परमिशन देना दोनों के लिए ये आता है। टू एक्सप्रेस
यहाँ पर इम्पॉसिबल फैक्ट अगर कोई बताया जाना है तो उसके लिए भी कैन का प्रयोग होगा। जैसे कैन मैन बी अ मॉर्टल, क्या इंसान अमर हो सकता है, यानी नहीं हो सकता। दूसरी बात मे का प्रयोग, मे का भी प्रयोग हिंदी में सकना अर्थ रखते हुए किया जाता है, लेकिन कैन से यह वर्ब थोड़ा अलग होती है। नंबर वन, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, कहीं पर कोई संभावना दिखाने के लिए इसका प्रयोग होगा। वहां क्षमता और योग्यता थी, यहां संभावना है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी संभावना है। नंबर दो, विनम्र अनुमति, हम्बल परमिशन के लिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और नंबर तीन, उद्देश्य या पर्पस बताने के लिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। चौथे नंबर पर हेल्प, सर्विस, सहायता या सेवा देने के लिए या मांगने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, या यू मे हेल्प मी, इस तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। पांचवें प्रयोग के तौर पर कर्ष, अभिशाप देने के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे मे यू नेवर सक्सीड इन योर लाइफ, ईश्वर करे आप अपनी जिंदगी में कभी भी सफल ना हो। नंबर सिक्स पर विश या ब्लेस शो करने के लिए, इच्छा और आशीर्वाद देने के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। मे ही रिटर्न होम सेफ, भगवान करे कि वो घर सुरक्षित वापस आ जाए, इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इसके साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम अपने चैनल को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।